नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा, और इसी के साथ बुलेटिन का करते आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में बिजली कनेक्शन की नई दरें तय, अब नई दरों पर ही मिलेगा बिजली, 3 से 150 किलोवाट तक का जानिए रेट। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने फिल्म निर्माताओं को बिहार में फिल्म बनाने के लिए किया आमंत्रित। बिहार में हिंदी फिल्म बनाने पर 25% और क्षेत्रीय फिल्म बनाने पर मिलेगा 50% तक का सब्सिडी। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका, कृषि विभाग में जल्द निकलेगी बंपर भर्ती, 866 पदों पर होंगी नियुक्तियां, कृषि क्षेत्र में होगा सुधार। 74 साल के हुए पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति समेत जानी मानी हस्तियों ने दी बधाई, पीएम को बताया दूरदर्शी नेता। और 38 के हुए अश्विनी जाने बल्लेबाज से कैसे बने गेंदबाज, इंजीनियर होकर क्रिकेट के मैदान पर मचाया गेंद से धमाल। अब खबरें विस्तार से। बिहार में बांस की खेती को हरा सोना या ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी लागत कम और मुनाफा ज्यादा होने के कारण ये किसानों के जीवन में हरियाली ला रहा है। हर साल 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस मनाया जाता है, जो बांस की खेती को बढ़ावा देने का एक बड़ा अवसर है। वहीं भागलपुर में TNB कॉलेज परिसर में देश का पहला बंबू टिशू कल्चर लैब खुला है। यहाँ हर साल व्यावसायिक स्तर पर पौधे का उत्पादन हो रहा है। ये पौधे किसानों को भी सस्ती दर पर वन विभाग की ओर से दिया जा रहा है। कटिहार, खगड़िया, मुंगेर और बख्तियारपुर में इन पौधों से हाल ही में खेती शुरू हुई है। प्रोप्राइटर प्रोफेसर अजय कुमार चौधरी, जो बिहार बांस मैन के नाम से प्रसिद्ध है, वे बताते हैं कि बांस की खेती से बाढ़ की तीव्रता को कम किया जा सकता है। बिहार में छोटे और बड़े उद्योगों के लिए बिजली कनेक्शन की नई दरें लागू होने वाली है। बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर की है, और जैसे ही आयोग का निर्णय आएगा नई दरें लागू हो जाएंगे। इस नई व्यवस्था के तहत उद्यमियों को अब बिजली कनेक्शन के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करना होगा। नई दरों के अनुसार 3 किलोवाट तक का कनेक्शन लेने के लिए उद्यमियों को 2700 रुपए देने होंगे, जो कि घरेलू श्रेणी में आएगा। इसके अलावा सिंगल फेज में 4 किलोवाट तक का कनेक्शन लेने पर 4500 रुपए की दर लागू होगी, और आपको 7 किलोवाट तक का कनेक्शन चाहिए तो आपको प्रति किलोवाट 500 रुपए देना होगा। वही LT3 फेज में 5 से 19 किलोवाट तक का कनेक्शन 9150 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से मिलेगा, जबकि 20 से 44 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 9700 रुपये प्रति किलोवाट भुगतान करना होगा। बड़े औद्योगिक कनेक्शन के लिए 3 फेज में 45 से 150 किलोवाट के कनेक्शन पर 7000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से भुगतान करना होगा। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने मुंबई यात्रा के दौरान इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन हाउस में फिल्म निर्माताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मंत्री मिश्रा ने फिल्म निर्माताओं को बिहार में फिल्म निर्माण के लिए आमंत्रित किया, और इसके साथ ही एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार में हिंदी फिल्म बनाने पर 25% और क्षेत्रीय फिल्म बनाने पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार अपनी ऐतिहासिक धरोहर, पवित्र स्थलों और धार्मिक समन्वय के लिए न केवल भारत बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसी वजह से यहाँ फिल्म निर्माण की संभावनाओं को देखते हुए ये नीति बनाई जा रही है। नेपाल और पड़ोसी राज्यों में हो रही जबरदस्त बारिश के चलते सूबे की नदियां एक बार फिर से उफान में आ गई है। गंगा, बागमती, घघरा और कमला बलान नदियां खतरे के निशान से ऊपर जा चुकी हैं। इसके अलावा अधवारा, कोसी और गंडक समेत कुछ अन्य नदियों के जलस्तर के लाल निशान से ऊपर जाने की संभावना जताई जा रही है। जल संसाधन विभाग ने नदियों की स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है और रात्रि पेट्रोलिंग के निर्देश संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं को दे दिए गए हैं। तटबंध सुरक्षा कर्मियों को गश्त बढ़ाने की सलाह दी गई है। गंगा नदी पटना में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर जो है चेतावनी स्तर से 48 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि हाथीदह में इसका पानी लाल निशान को पार कर चुका है। बिहार के कृषि विभाग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, जो राज्य के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकता है।
प्रखंड कृषि पदाधिकारी और इसके समकक्ष 866 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके लिए विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटों का विवरण प्रदान किया गया है। अनारक्षित श्रेणी के लिए 350 सीटें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 87, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 157, पिछड़ा वर्ग के लिए 97, अनुसूचित जाति के लिए 140 और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। खास बात यह है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 26 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके साथ ही कृषि विभाग में सीधे नियुक्ति के लिए वेतन लेवल स्तर 7 का प्रस्ताव भी भेजा है। इस निर्णय से बिहार की कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास की नई संभावनाएं खुल सकती हैं। भाद्रपद मास की पूर्णिमा 17 सितंबर यानी आज 11:44 से आरंभ है और 18 सितंबर बुधवार की सुबह 8:04 पर इसका समापन हो जाएगा। कहा जाता है कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में धन संपत्ति के साथ ही सुख समृद्धि बढ़ती है। पूर्णिमा से यानी आज से पितृपक्ष भी शुरू हो जाएगा। पितृपक्ष 16 दिन तक चलेगा, 2 अक्टूबर को इसका समापन होगा और 3 अक्टूबर से फिर नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा इन दिनों एक्शन मोड में है। एसएसपी राजीव मिश्रा लगातार थानों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें कि बीते दिन भी पटना एसएसपी ने शहर के कई थानों का निरीक्षण किया और आज भी एसएसपी ने एसके पूरी थाना, कंकड़बाग, पत्रकार नगर और चित्रगुप्त नगर थाना पहुंचकर वहां की गश्ती व्यवस्था और अन्य जानकारियों की समीक्षा की। एसएसपी की इस तत्परता और एक्शन मोड ने थानों में हलचल मचा दी है। अधिकारी अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुट गए। बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। इस साल राज्य सरकार ने कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत किसानों को कुल 87,526 कृषि यंत्र बांटने की योजना बनाई है। इस महत्वपूर्ण पहल पर कुल 1,44,03,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि पूर्वी चंपारण को 3,370, मुजफ्फरपुर को 3,338, समस्तीपुर को 2,951, पटना को 2,709 और सारण को 2,756 यंत्र मिलेंगे। अन्य जिलों में भी यंत्रों का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे किसानों को आधुनिक उपकरण मिल सकेंगे और उनकी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। बिजली कंपनी ने अपने इंजीनियरों और अन्य कर्मियों के लिए एक नई निर्देशिका जारी की है। इसके अनुसार सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप से हल करने के लिए कंपनी ने हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कार्यालय में रहने का आदेश दिया है। सामान्य दिनों में भी यदि कोई कर्मचारी अनुपस्थित होता है तो वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना अपने कनिष्ठों को देनी होगी। इस नई नीति का उल्लंघन करने पर कंपनी ने चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार इन दिनों 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि की समीक्षा कर रही है, विशेष रूप से चौथे साल के लिए। ये देखा जा रहा है कि कितनी राशि मिली और कितनी राशि अभी बकाया है या मिल सकती है। योजना एवं विकास विभाग ने इस पर गहन मंथन शुरू कर दिया है और इसी आधार पर राज्य सरकार अगले 5वें वर्ष के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार करेगी। इस संबंध में हाल ही में मुख्य सचिव स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई थी। इसमें केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि, केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन और प्राप्त और बकाया राशि के मुद्दों पर विचार किया गया। इसके बाद राज्य सरकार केंद्र से अपने बकाया राशि के भुगतान के लिए अनुरोध करेगी। पर्याप्त निधि की कमी के कारण राज्य सरकार की चिंता जो है बढ़ गई है, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में केंद्र की हिस्सेदारी में 8% की कमी देखी गई है। बिहार को 15वें वित्त आयोग के तहत पहले 3 वर्षों में 21,000 करोड़ रुपए कम मिले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी ने बिहार में सेवा पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। बता दें कि इसके तहत नगरों, गांव, चौपालों और सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न सेवा काम किए जाएंगे। 24 सितंबर तक प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व पर विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 19 सितम्बर से 22 सितम्बर तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 22 सितम्बर को पेरिस पैरालंपिक के प्रतिभागियों का सम्मान किया जाएगा। दिव्यांगजनों के बीच आवश्यक उपकरण बांटे
जाएंगे 23 सितंबर को आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा। वहीं 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर पौधारोपण किया जाएगा। 26 से 28 सितंबर तक जिला स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। वहीं 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों पर गोष्ठी और परिचर्चा आयोजित की जाएगी और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छता और सफाई अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है। देश भर से उन्हें जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि बधाई की टाइमिंग पर आरजेडी ने कटाक्ष किया है। बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने एक्स पर लिखा है कि इतनी शीघ्रता से अलार्म लगाकर बॉडी विश करने की तत्परता तो एक प्रेमी युगल भी नहीं करता। मतलब 11:59 पर ट्वीट लिखकर रख लिए थे, 12 बजे का अलार्म बजा कि पोस्ट कर दिया गया। काश इतनी तत्परता बिहार में हो रहे हत्या बलात्कार पर भी दिखा पाते। बिहार की सियासत से एक दुखद भरी खबर है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पिता चंद्र नारायण यादव का आज सुबह निधन हो गया। बता दें कि चंद्र नारायण यादव को पिछले 2 दिनों से स्वास्थ्य में गिरावट के बाद पटना एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। यादव ने एक्स पर इस दुखद घटना की जानकारी दी है। पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे सृजनकर्ता, आदर्श, मेरे विचार केंद्र, मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे पथ प्रदर्शक, मेरे शक्ति के उत्स पिताजी नहीं रहे। पापा, आपके बिना मैं कुछ नहीं। राजद नेता तेजस्वी यादव अपने 8 दिन की कार्यकर्ता आभार यात्रा के बाद अब एक पखवारे के लिए विदेश यात्रा पर निकलने वाले हैं। 19 सितंबर को पटना में राजद की सदस्यता अभियान की शुरुआत के बाद तेजस्वी यादव 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दुबई के दौरे पर जाएंगे। हाल ही में लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी तेजस्वी यादव को कोर्ट से विदेश यात्रा की इजाजत मिल गई है। इसके लिए उन्हें 25 लाख रुपए की जमानत राशि जमा करने का भी निर्देश मिला है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को अपने विदेश यात्रा कार्यक्रम की पूरी जानकारी अदालत को देने के निर्देश दिए हैं, जिसमें दुबई में यात्रा का विवरण और विदेश यात्रा के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल नंबर शामिल है। तेजस्वी यादव का कहना है कि वे इस यात्रा के बाद दशहरा के बाद बिहार लौटकर पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन आज अपना 38वां जन्मदिवस मना रहे हैं। क्रिकेट के इस जादूगर ने अपने करियर में कई रिकॉर्ड बनाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वर्तमान में ICC टेस्ट रैंकिंग में भी वे शीर्ष स्थान पर हैं। हालांकि उनके क्रिकेट करियर में एक सपना ऐसा भी है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हाल ही में अश्विन ने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया कि वे एक ओवर में 6 छक्का मारना चाहते हैं। अश्विन ने हंसते हुए कहा कि ये सपना अब भी अधूरा है। बता दें अश्विन ने साल 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने टेस्ट में 100 मैच खेलते हुए 516 विकेट चटकाए हैं, जिसमें उनका इकोनॉमी रेट 2.81 का रहा है। स्टार भारतीय स्पिनर अब भारत बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, मोहम्मद रहमतुल्ला, अनवर करीम खान, राम सगुन दास, गुनर शर्मा, बाबा मनीष पांडे, संजय कुमार शर्मा, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, गौतम यादव, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद अरमान, सपना कुमारी, कुश कुमार यादव, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद शाकिर हुसैन, मोहम्मद अशरफ, काश्मीरी परवीन, अमित कुमार, विकास कुमार, संदीप कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपकी फेवरेट एक्टर कौन है? इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।